है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो इस तरह एडिटिंग हो और इस तरह हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक स्टोर चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर चाहिए हमें। इसके प्ले स्टोर में जाएंगे और सॉफ्टवेयर का नाम है स्टोरी जी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और इसे हम सोशल मीडिया पर लाइक्स भी पा सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये अब इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, और ये इंस्टॉल हो गया है, इसे अब ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, और नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्लोज़ का ऑप्शन है, क्लोज़ कर देंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड की तरफ स्किप का ऑप्शन है, स्किप कर दें इस वीडियो को। ये प्लस में जो आपको ऑप्शन दिखा रहा है प्लस का, वहाँ पर क्लिक करें और रिपल पर क्लिक कर दें। रिपल पर क्लिक करें, अलाउ कर दें, और यहाँ से कोई भी आप अपनी गैलरी से एक फ़ोटो पकड़ लें और स्क्वायर में या कस्टम में करना चाहें, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, और टिक पर क्लिक कर दें। और ये ऐड शो होगी, यहाँ पर आप कट का निशान है वहाँ कर दें। आप चाहते हैं कि आपके ये पिक जो है मूव करें, मोशन में आए, ठीक है। यहाँ पर मोशन का ऑप्शन पहले से सिलेक्ट हो गया होगा। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जिस तरह मोशन इसका चाहते हैं उस तरह हो जाएगा। और स्टेपल पर क्लिक करें। स्टेपल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो डॉट्स लगा दें, जहाँ तक आपने ये मूव करनी है पिक को, जो भी आपकी चीज़ है। और मार्क्स पर क्लिक करें। मार्क्स वो चीज़ है, वो कलर है, जहाँ पर आप करेंगे वहाँ उतना उतना जो है पिक वो आपकी मूव नहीं होगी, ठीक है ना। उतनी उतनी पिक है मूव नहीं होगी। अब हम डिस्प्ले करके देखते हैं। देखा, आपके क्लाउड जो है मूव करना शुरू हो गए। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से भी चाहते हैं कि वहाँ से अरेज हो जाए, वहाँ से आप रेजर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्ले करके आप देख सकते हैं। और अगर आप इसके पीछे म्यूज़िक वगैरह गाएं, या टूल पर क्लिक करें, एवी म्यूज़िक सेलेक्ट करें, ऐड साउंड, और मैंने पहले से ही एक सॉन्ग सेलेक्ट करके रखा है, मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। और टिक पर बटन पर क्लिक कर दें, प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो वीडियो आपने क्रिएट की हुई है उसके पीछे लग जाएगी। और डिसमिस क्लिक कर दें और प्ले करें, मैं आपको सुनाता हूँ। और आप इसे चाहते हैं कि आप ये सेव हो जाए, और मेमोरी कार्ड वाला जो ऑप्शन बना होगा ऊपर, उस पर क्लिक कर दें। और आप कितने फर्स्ट पर होगा रिपीटेशन, आप कितने सेकंड के लिए रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें, ये आपकी डाउनलोड होना शुरू होगी। नेक्स्ट पेज पे आपका डाउनलोड और शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप शेयर करना शेयर कर दें, डाउनलोड करना का डाउनलोड कर लें। और आप ये जो है वो वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी चीज़ समझ आई और आपको कैसी लगी है। आप इस वीडियो से एडिटिंग करने से अच्छे खासे आप सोशल मीडिया पर जो है ना लाइक्स पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।